अखिलेश ने चुनावी मंच से भरी हुंकार, तो उनकी बेटी अदिति ने भी वोट के लिए जनता से करी पुकार। हमारे साथ समझिए खबर का पूरा आधार, कैसे यादव खानदान की शहजादी दे रही कई मठाधीशों को टक्कर। अदिति की राजनीतिक समझ देकर विपक्ष कई नेताओं को आ रहा चक्कर। हमारे साथ समझिए पूरी खबर और जानिए कैसे अदिति की हुई राजनीति में एंट्री, जो कई बड़े नेताओं में मचा रही खलबली। जैसे जैसे सूर्य देव अपना तापमान बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी पारा भी बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते चुनावी पारे के बीच अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव की भी लोकसभा चुनाव प्रचार में धाकड़ एंट्री देखने को मिल रही है, जो गर्मी का तापमान बढ़ने के बाद भी अपनी माँ को विजय माला पहनाने के लिए डटी हुई है। आज बात इस युवा चेहरे की होने जा रही है, जो इस समय अखिलेश यादव और डिंपल यादव के लिए लोगों के बीच जाकर वोट मांग रही है। वैसे तो अखिलेश की ये शहजादी पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान में उतरी है, लेकिन इन्हें चुनावी दांवपेच का ज्ञान बहुत पहले या कहे विरासत में ही मिला है। ऐसा भी नहीं है कि अदिति कोई पहली बार बीजेपी पर तीखे प्रहार कर रही हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया के जरिए अदिति अपनी पार्टी का पक्ष लेते हुए अन्य तमाम पार्टियों को अपने शब्द बाणों से धराशायी कर चुकी है। जैसा कि इस समय हर पार्टी जोरों शोरों के साथ अपना प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से सपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन भी भर दिया है, तो वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी सीट से चुनावी मैदान में हैं। इसी क्रम में मैनपुरी से डिंपल यादव के चुनाव प्रचार उनकी बेटी अदिति यादव भी उतर चुकी है और अपनी मां डिंपल यादव के लिए मैदान में डटी हुई है। वो लोगों से मिलकर 7 मई को वोट करने की अपील भी कर रही हैं। जैसा कि मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव लोकसभा चुनाव के लिए दोबारा मैदान में हैं। इस बार उनकी बेटी अदिति यादव भी मां के लिए जनता के बीच जाकर वोट मांगती नजर आ रही है। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पिछले एक महीने में वो कई बार डिंपल के साथ मंच को साझा करती नजर आई है, कई बार वो कार्यकर्ताओं के बीच अकेली नजर आ रही है। खैर, बीते कई समय से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आने वाले समय में अदिति यादव चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन अब इस कयास का सही सही जवाब मिल गया है और अदिति यादव ने मैदान संभाल लिया है। अदिति यादव का चुनावी मैदान में उतरना कोई अचानक या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। बीते समय जब सपा सांसद डिंपल यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचती थी, तो इस दौरान उनकी बेटी अदिति यादव भी वहां मौजूद नजर आती थी। वो अपनी मां डिंपल यादव के साथ ही वहां पहुंची थी। जब मां डिंपल यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित किया करती, तो वो बड़े गौर से भाषण को सुना करती। बस यहीं से अदिति का राजनीतिक पाठ प्रारंभ हुआ और वो आज अपनी माँ के लिए वोट मांग कर अपनी माँ को राजनीति का पाठ पढ़ाने की गुरु दक्षिणा दे रही है। खैर, ऐसा नहीं है कि अदिति यादव किसी दूसरे की मर्जी से राजनीति का रुख किया हो, बल्कि ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीते समय मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने बताया था कि उनके बच्चे वही करेंगे जिसमें उनकी रुचि होगी। अब अदिति यादव की रुचि राजनीति में है, तो वो राजनीति कर रही हैं। फिलहाल आपको अदिति यादव का ये निर्णय कैसा लगा, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, योर सिटी।